Hello everyone, in the previous video we tried to solve question 1 up to 10 and in this video we will solve question 11 and upward. In this question, fill in the blanks. Number 1, the largest number of 5 digit is dash and the smallest number of 6 digit is dash. आपको करना क्या, बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का यहाँ पे भरना है. तो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होता है, 9. 5 डिजिट का बोल रहा था, 5 टाइम्स इसको रिपीट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया. उसके बाद आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 6 डिजिट का था. स्मॉलेस्ट नंबर आपका कहाँ से, 1 से स्टार्ट होगा फिर 0, तो 0 कितना लगेगा, तो 6 डिजिट में आपका एक डिजिट आपका 1 हो गया, 5 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1. बी वाले पार्ट में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट ऑफ 4 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट. स्मॉलेस्ट नंबर का 4 डिजिट क्या हो जाएगा, 1000, दिस इज 1000, एंड द लार्जेस्ट नंबर का 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर का 3 डिजिट क्या हो जाएगा, 999. अब इसको करना है कि आपको माइनस करना है, तो 1000 माइनस 999, आंसर विल बी 1. क्वेश्चन सी, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट. 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका 100, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपका 99, दोनों का ऐड बोल रहा करना है, तो 100 प्लस 99, 199. कम टू डी पार्ट, ऑन एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 टाइम्स 9, एडिंग 1, एडिंग 1 इट बिकम, वी गेट 1000 and 0. नाउ सी विच डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, हाउ मेनी डिजिट नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, सिक्स डिजिट नंबर. ऑन एडिंग 1 टू द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, दिस 1 प्लस 1, दिस बिकम एंड दिस विल गेट विच इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ 11th, ई पार्ट. डी वाले पार्ट में आपका एडिंग था, एडिंग 1 टू द ग्रेटेस्ट नंबर. इस वाले में देखिए आपको बोल रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपका 1000, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा, तो सब्ट्रैक्ट माइनस 1, दिस बिकम 999. तो यहाँ भी जो आपको बोल रहा 4 डिजिट नंबर, वी गेट हाउ मच, 999. विच इज द डैश 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तो आपको दिख रहा, तो ये कौन सा डिजिट नंबर आपका, तो ये स्मॉलेस्ट है कि ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट विदाउट रिपीटेशन. बिना रिपीटेशन किए हुए आपको इस डिजिट के मदद से आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, क्रिएट करना है. तो लार्जेस्ट नंबर, तब इस ये जो आपको डिजिट दिया हुआ इसमें से आप चूज कीजिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन आ रहा है, 9 फर्स्ट, सेकेंड नंबर 6, 5, 3, 2 एंड 0. तो ये जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा. क्वेश्चन 13, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट. इसमें आपको फिर से 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बिना रिपीटेशन का. तो स्मॉलेस्ट नंबर आप कोई भी एक डिजिट ले लीजिए, 4 डिजिट का, तो डिजिट लेना बिना रिपीटेशन किए हुए, तो स्मॉलेस्ट में जाएंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है. ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है आपको, तो स्मॉलेस्ट के लिए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट के लिए बिना रिपीटेशन किए हुए. तो ये आप बोलिएगा कि 1, 2, 3, 4 नहीं होने वाला है, स्मॉलेस्ट के लिए आपका क्या होता है, 1000, 4 डिजिट में ये होगा, लेकिन आपको साफ साफ बोल रहा है कि बिना रिपीटेशन किए हुए आपको इसको कंप्लीट करना है, तो एक हो सकता है बाकी ये दोनों नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके लिए, 1, 0, then 2 and 3, 2, 3, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. ग्रेटेस्ट नंबर,
ग्रेटेस्ट नंबर के लिए फिर से आप डिजिट ले लीजिए 9999, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर के लिए होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, इसके बाद 9 नहीं होगा तो क्या होगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9876। दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर विथ 8 इन 100 प्लेस एंड विथ ऑल द डिजिट डिफरेंट। डिजिट डिफरेंट का मतलब रिपीटेशन फिर से इसमें अलाउड नहीं है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको, तो ग्रेटेस्ट आपको 98765, फाइव डिजिट नंबर ये हो गया। लेकिन कंडीशन यहाँ पे दे रहा है कि 8 जो है वो होगा आपका 100 प्लेस है, मतलब 7 के जगह पे 8 होना चाहिए, तो 8 हो गया और यहाँ पे 9। तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर दीजिए प्लेस को, तो ये 7 और ये 65, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 97865। स्मॉलेस्ट के लिए, स्मॉलेस्ट के लिए जो आप जानते हैं वो लिख लीजिए 10, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 10, फिर 2, 3 एंड 4, ये हो गया। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, 8 को रखना 100 प्लेस पे, यानी कि 2 की जगह पे आपका 8 रहेगा, 8 और ये 10। अब आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 में, तो 2 एंड 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका 10823। इन द 15th क्वेश्चन आपको सम करना है लार्जेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट नंबर का। लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9999, 4 times 9। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, 1000। आपको क्या बोल रहा है, सम, तो सम करना है, तो इसको ऐसा करके डायरेक्ट ऐड कर दीजिए 9 9 9 एंड दिस इज 10, द आंसर विल बी 10999। क्वेश्चन 16 में आपको बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस। 15 वाले में क्या बोला, सम करना है, तो इसमें आपको डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिजिट लिख देना है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 6 times 9, ठीक है। फिर आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 100000, आपको क्या बोला है, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालना आपको दोनों के बीच का। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वाले में स्मॉलेस्ट को माइनस कर दीजिए, 9 9 9 9 9 9 माइनस 1 8, तो जो आपका डिफरेंस आएगा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट का, वो आपका 8999999। इन द 17th क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 999 एंड 3000, मतलब आपको इस दोनों नंबर के बीच में कितना 4 डिजिट नंबर होगा वो आपको बताना है। तो आपका नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो आपको इसके बीच का बोल रहा है, बिटवीन यानी कि 999 के बाद एंड 3000 के पहले, तो 3000 के पहले क्या आएगा, 2999, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 999, तो 1000 के बाद से तो आपका 4 डिजिट हो जाएगा, 999 के बाद 1000 जो होगा ये आपका 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ से लेकर आपका पूरा कहाँ तक 299 तक 4 डिजिट नंबर होने वाला, तो इसमें माइनस कितना करेंगे कि आपका नंबर जो है वो निकल जाएगा 4 डिजिट का, तो शुरुआत का जो 999 है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो जो आपका 200 मतलब ऐसा 4 डिजिट नंबर 2000 होगा इस पूरे 999 और 3000 के बीच में। तो दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड के लिए आपको करना क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 99 एंड 3000, सेम है बस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 3000 है, तो फिर से इसके एक पहले का लेंगे तो एक पहले का लेंगे, तो आप क्या लेंगे, 2999।
ठीक है। अभी 99 के बाद का बोल रहा था, 99 के बाद लेंगे तो आपका क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये तो आपका 3 डिजिट नंबर है, आपको पूछ रहा है 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1000 से। तो 1000 से स्टार्ट होगा, तो उसके पहले का जितना नंबर है, कितना नंबर है, 999, इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2000। यानी कि इस वाले पार्ट में भी आपका 2000 संख्या ऐसा होगा जो कि आपका 4 डिजिट का होगा, और इस वाले में भी आपका 4 डिजिट का होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है कि स्टार्टिंग आपको 1000 से। यहाँ पर अगर 9 भी बोलता है तो स्टार्टिंग 4 डिजिट तो 1000 से ही होने वाला है, 9 के बाद 10 से तो होगा नहीं। तो आंसर 9 वाले केस में 99 या 999, तीनों केस में आपका आंसर 2000 होगा। 18th नंबर क्वेश्चन भी आपका 17 में, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था एकदम ऐसे सेम बनने वाला है। 4 डिजिट नंबर आपसे पूछ रहा है फिर से, कितना सारा होने वाला, किसके किसके बीच, 500 और 3000। तो 3000 के पहले कितना नंबर, 2999, और 500 के बाद का नंबर लेना है, बिटवीन बोल रहा है, बाद का लेंगे तो स्टार्टिंग होगा 500 वन से। तो ये आपका 3 डिजिट नंबर, आपको लेना है 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1000 से। तो फिर से आपको माइनस कितना करना होगा, तो 999 माइनस कर देंगे तो आंसर फिर से 2000 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये 18th नंबर और 17th नंबर क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट बनाने के लिए आपको ये माइनस करना नहीं पड़ेगा ये 2999 में। तो आप क्या करेंगे, जो आपका 3000 नंबर लास्ट जो डिजिट नंबर रहेगा, अगर फोर डिजिट नंबर है, तो उस वाले को 1000 में माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। क्यों, क्योंकि 1000 से ही तो आपका स्टार्ट हो रहा है 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ से आपको 3000 के बीच का नंबर पूछ रहा, तो सीधा सा चीज़ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि माइनस, तो आंसर आ जाएगा आपका 2000। ऐसा करके भी डायरेक्ट बना सकते हैं 17 और 18 को। 19th नंबर क्वेश्चन में आपको पॉसिबल नंबर बताना है 3 डिजिट का, और यही आपको 368 इसी का यूज़ करके आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है कि कितना बन सकता है बिना रिपीटेशन का, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो डिजिट क्या है आपके पास, 3, 6 एंड 8। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहला 3 को फिक्स्ड कर दीजिए एक पोजिशन पे, फिक्स करने के बाद आप देखिए कि क्या नंबर बन सकता है। तो 3 अगर रखते हैं तो या तो 6, 8 बनेगा, और एक और 3 अगर रखते हैं तो 8, 6 बनेगा। और क्या बना सकते हैं, ये आपका 3, 6, 6, 8 एंड 8। और अगर करना चाहेंगे तो ये नंबर और नहीं बन पाएगा। तो पहला नंबर आपका हो गया 3, 6, 8, दूसरा नंबर हो गया 3, 8, 6। अब आगे अभी क्या करेंगे, 6 को फिक्स कर दीजिए फर्स्ट पोजिशन पे, 6 फिक्स हो गया। इसके बाद आपको करना क्या, 3 और 8 है तो 3 और 8 कर दीजिए, और इसका पोजीशन जो है वो चेंज कर दीजिए 6, 8, 3। अब इसके अलावा कोई नंबर नहीं, अभी 3 का हो गया, 6 का हो गया, अब 8 को फिक्स कर दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे, और बाकी जो नंबर है वो इंटरचेंज कर दीजिए। तो दिस इज़ ऑल द पॉसिबल वे टू कंप्लीट 3 डिजिट नंबर यूजिंग 3, 6, 8। 20th नंबर, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 5, 4, 7, 9 विदाउट रिपीटेशन। रिपीटेशन नहीं है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 7 आपका यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, 9, 10 प्लेस पे, 4, 100 प्लेस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 को बोल रहा है यूनिट प्लेस पे रखना, आपको ग्रेटेस्ट नंबर पहला। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए इसमें जो भी आप जानते हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको आप लिख लीजिए, 9, 7, 4, 5, ये हो गया ग्रेटेस्ट। लेकिन कंडीशन जब अप्लाई करेंगे कि 7 को ही यूनिट प्लेस पर रखना है, तो यूनिट प्लेस पर आपका कौन सा होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ये तो आपका यहाँ होगा नहीं, तो 7 की जगह पे क्या था, 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9, 5, 4, 7। अभी इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इसी डिजिट का यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4, 5, 7 एंड 9। लेकिन आपको करना है क्या, यूनिट प्लेस पे 7 रखना है, मतलब इसके जगह पे 7, यहाँ पे 7, और ये क्या हो जाएगा, इधर 9, 5, 4। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4, 5, 9, 7, ग्रेटेस्ट नंबर 9, 5, 4, 7। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 9 इज एट 10th प्लेस, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या था, 9, 5, 4, ठीक है। आपको 9 को बोला 10th प्लेस पर रखना है, मतलब 5 के जगह पे 9 होगा।
तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए कौन सा चाहिए? तो बड़ा डिजिट चाहिए, 5 को नहीं रखेंगे तो बड़ा आपका 7 है, अब इसके बाद आपका 5 है और यहाँ पे 4 बच रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका 7594 विद कंडीशन 9 इज़ एट 10th प्लेस। स्मॉलेस्ट नंबर जब बनाना होगा तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा? 4579 अकॉर्डिंग टू दिस डिजिट। लेकिन जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे 10th प्लेस पे आपको 9 रखना है, मतलब 7 के जगह पे आपको 9 रखना है, और स्मॉलेस्ट नंबर है तो 4, 5, 9 और यहाँ पर हो जाएगा 7, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4, 5 एंड 9, 7। तो अब फिर लास्ट जो तीसरा नंबर है इसमें आपको क्या बोल रहा है? 4 इज एट 100 प्लेस, 100 प्लेस पे आपका 4 होना चाहिए, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9754, 9754। इसमें आप चेंज करेंगे 100 प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4, 9 तो रहेगा। अब बच गया आपके पास दो नंबर 7 और 5, तो बड़ा कौन है? 7, तो 7 एंड 5, तो ग्रेटेस्ट नंबर 9475। फिर से स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है? 4579, 4579। आपको 4 को क्या रखना है? 100 प्लेस पे, मतलब ये जो है आपका 5 के जगह पे होगा, मतलब यहाँ पे आपका 4। अब यहाँ का 3 प्लेस आपका खाली हो गया, तो क्या पुट करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपके पास है 4579, 4 यूज़ हो गया, बच गया 579, तो इस तीनों में सबसे छोटा आपका 5 है, 5, फिर उससे बड़ा 7 एंड लास्ट 9, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो गया 5479। ये जो 20 क्वेश्चन था ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का था 1A। अगले वीडियो में आपको 1B का सॉल्यूशन मिलेगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन आवर चैनल दैट इज़ रेडियंस ट्यूटोरियल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।